अगद, अगद जो होता ना अगद, ठीक है, अगद का मतलब क्या है किसी को मालूम है? कहां जा रहे जी बोले तो? अगद में जा रहे बोलते ना, हम अगद में जा रहे, अगद का मतलब क्या है? कहां जा रहे अगद बोले तो? जी कोई बोल रहे हैं? नहीं, फंक्शनल में जाने नहीं, अगद का मतलब क्या है ये मैं पूछ रहा हूं। अगद का मतलब होता अग्रीमेंट। क्या होता? अग्रीमेंट, तय करना कुछ चीजों का, जहां जब तय होता उसको बोलते अगद, ठीक है ना। अब तय हुआ, अच्छा हम अगद में जा रहे, अगद में खाजी साहब क्या बोलते? कुछ तय की हुई चीजों का ऐलान करते ना भाई, वो क्या के फलां साहब की लड़की, फलां साहब के लड़के के अगद में फलां इतने लोग गवाह हैं, ये इतने लोगों की गवाही में हम लोग दे रहे हैं, किसके इवज में? 5051 या 10051 के महर, ठीक है, इसमें ये शादी तय हो गई बोल के ऐलान करते ना हाजी साहब ठहर के, इस अग्रीमेंट को, ये जो अग्रीमेंट हुआ अब वो खुतबा हो गया, अब वो मियां बीवी बन गए, एक दूसरे के लिए हलाल बन गए, अल्लाह के नाम पे दोनों एक दूसरे के लिए मियां बीवी, इसी अग्रीमेंट को अगद बोलते, इसी अग्रीमेंट को अगद बोलते, अच्छी तरह याद रखो। अब काजी साहब मर्द के वालदेन या औरत के वालदेन या जिम्मेदार गवाह इन सबके नाम भी लिए और महर भी कितना तय करे ये भी बोले, लेकिन एक चीज भूल गए, एक चीज का ऐलान नहीं करते। कौन सा? हाँ, क्या ऐलान नहीं होता? लड़की वाले लड़के को जो दे रहे ना उसका ऐलान होता? कभी किसी की शादी में हुआ? जितने लोग शादी शुदा यहां पर बैठे हैं, आप लोग कभी सुने कि आपकी शादी में आपके वालिदैन जो लड़के को दिए क्या उसका भी ऐलान हुआ क्या? अग्रीमेंट तो हो गया, ये तो बोल दिए कि मर्द आपको कितना दे रहा, वो तो सब लोगों के सामने मस्जिद में ऐलान करके बोल रहा कि मैं मेरी बीवी को 5000 का महर दे दिया, ऐलान कर लिया, पीछे से 5 लाख लिया, उसका क्यों ऐलान नहीं किया? तो इसका मतलब अग्रीमेंट सही हुआ? बोलिए सही हुआ अग्रीमेंट? जो कुछ तय हुआ था वो ऐलान हुआ नहीं हुआ? तो ये अगद सही नहीं हुआ, इसमें छुपाया गया, जानबूझकर छुपाया गया, भूला नहीं गया बल्कि छुपाया गया, जो लिया। हालांकि सही तरीका अगद का अगर माने ले तो वो ये भी बोलना कि मैं 5 लाख रुपए लिया, एक पलंग लिया, एक बिस्तर लिया, इतने बर्तन लिया, इतने चादर लिया, इतने कपड़े लिया, ये सब ऐलान होना, उसी को अगद बोलते, उसी को अगद बोलते। पहली गलती यहां से शुरू हो गई, अल्लाह के लिए गौर करना। तो अब जितनी बैठकें थी ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, क्या ये बैठकें होती थी? और देखो जैसे ही शादी की बात चलती, अब लड़की वाले सब गुलाम बन जाते, लड़के वाले उनके ऊपर सवार होके आखा और माबूद की तरह बन जाते ना, कैसे बताते अपना हाउ हमारे, अब उन्हारे बोले तो इन्हों घर पूरा संवार के, सजा के, उनके लिए अच्छा खाना बना के, साले पूरे काम छोड़ के, उन्हारे बोले तो पानी लेके ठहरना, उनके हाथों को टवल देना, उनको साबुन देना, उनको बिठाना, खाना देना, मिठा देना, चाय देना, अदब से बात करना, झुक के सलामा करना, क्या क्या कर लेते आज? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये होता था? कुछ भी नहीं। सही तरीका अल्लाह के लिए गौर करना, इतना आसान तरीका था निकाह का, जिसको आज मुश्किल बना के छोड़ दिए हमारे माशरे में, जिसकी वजह से पूरी बर्बादी हो रही है मुसलमानों की।